वो वायरल प्राथमिक विद्यालय है जिसके बारे में तमाम लोगों ने वीडियोस बनाए और वीडियो मिलियन मिलियन तक गई है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि वाकई में ऐसा प्राथमिक विद्यालय भी हो सकता है। तो चलिए, आज हम आए हैं धरौली, जो घोसी के अंतर्गत मऊ में पड़ता है, और इसके बारे में इतनी चर्चा सुनी कि हमें आना पड़ा यहाँ पे। जहाँ पे देखिए किस तरीके से दीवार पे ऐसे ऐसी नक्काशी की गई है, आप साफ देख सकते हैं, व्हेन इन डाउट गो टू लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी की बात है, आई लव एजुकेशन ये भी दिखा है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, सर क्या क्या चीज़ें हैं वीडियो के अंत तक हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें अंदर हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। इधर भी चलिए तो आपको एक बगल में शिकायत पेटिका भी दिखेगी, लेकिन बगल में सुझाव पेटिका भी, यानी ये सब कॉम्बिनेशन भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे एजुकेशन के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं। अब थोड़ा मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ऊपर दिखा दी जाए कि ऊपर किस तरीके से छायादार वृक्ष है। ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सरप्राइज जो होता है वो अंत में दिखाया जाना ही सबसे बेहतर होता है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ऊपर से दिखा दीजिए कि किस तरीके से पूरा यहाँ पे दिखा दीजिए कि किस तरीके से आपको वहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक भी दिखेगा, आपको महाबोधि पुस्तकालय वचनालय भी दिखने को मिलेगा, और यकीन मानिए ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी जो वाकई में आपको लगेगा ही नहीं कि एक ये प्राइमरी विद्यालय है। यानी आपने कई सरकारी विद्यालय तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ऐसा विद्यालय देखा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये विद्यालय है या कोई पार्क है। जिस तरीके से चारों तरफ छायादार वृक्ष हैं, ना सिर्फ छायादार वृक्ष बल्कि अलग अलग चीज़ें, क्योंकि कभी आपने बच्चों का बैंक नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक भी दिखेगा। जूम कर दीजिए सर, वहाँ पे जूम करके दिखाइए कि क्या लिखा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक, यानी बच्चों का बैंक दिखेगा। सोचिए, पढ़ने भी आते हैं और बच्चों के लिए बैंक की व्यवस्था भी है। किस तरीके से ये सरकारी विद्यालय है, आप यकीन नहीं मानिएगा। जब हम यहाँ पे आए तो हम भी दंग थे, क्योंकि आपने तमाम सरकारी विद्यालय देखे होंगे, तमाम प्राइमरी विद्यालय देखे होंगे, लेकिन राउंड भी जब देखेंगे एक बार, मैं फिर से एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अंदर का वातावरण है, बच्चे पढ़ने आते हैं, और ना सिर्फ, जब ऐसा विद्यालय हो तो कौन पढ़ने नहीं आएगा। सोचिए, हमारे यहाँ अगर ऐसा विद्यालय होता तो लोग ऐसे विद्यालयों में जाते, और कहा जाता है कि ये बनाने वाले यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिनसे हम कुछ दिन बाद आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हालांकि वक्त हो गया है, शाम होने वाली है तो अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम आपको पूरा वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। बाकी इस प्राइमरी विद्यालय को लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही हम आपको अलग अलग जगह ले जाते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, तो आज इसी क्रम में एक ऐसे प्राइमरी विद्यालय पर आपकी उपस्थिति दिखा रहे हैं।